हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तेज रफ्तार से आती हुई कार एक बाइक सवार को टक्कर मार देती है और बाइक सवार खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग आकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इस बाइक सवार का नाम प्रेम होता है। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है कि इसी बीच वो अपने बीते कुछ पलों को याद करता है और बीते पलों में वो अपनी बहन जीविका से कहता है, अरे बहन अब तो मिलवा दे उससे। मिलवा दूंगी भाई, तुम चिंता मत करो। प्रेम और जीविका दोनों भाई बहन होते हैं और जीविका अपनी कॉलेज की दोस्त पिया से आए दिन अपने भाई प्रेम की बातें किया ही करती थी और बातों बातों में पिया ने मन में ही प्रेम की एक छवि बना ली थी। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्त कॉलेज बंक करके कहीं घूमने जाती हैं। तभी जीविका बोलती है, वाओ ये जगह तो प्रेम भाई की फेवरेट है, वो हमेशा यहीं आया करते हैं। सच में क्या? अच्छा ये बता और क्या क्या पसंद है तेरे भाई को? अरे तू पूछना सब बताऊंगी। अच्छा बता तेरे भाई का फेवरेट कलर कौन सा है? उसे ब्लैक कलर पसंद है। और तुम दोनों भाई बहन में से लड़ाई कौन करता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो वो कुत्ता ही लड़ता है। ये अच्छी बात है। हाँ यार। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जीविका कॉलेज से घर जाते वक्त अपने लिए और प्रेम के लिए आइसक्रीम खरीद लेती है और घर जाकर अपने भाई के साथ आइसक्रीम शेयर करती है। साथ ही आइसक्रीम खाते खाते अपने भाई से बोलती है, ये वाला फ्लेवर तो पिया का फेवरेट फ्लेवर है। सच में मुझे भी देना खाने को। और क्या क्या चीज पसंद है उसको? अरे सब बता दूंगी, पूछो ना। उसका फेवरेट कलर क्या है वैसे? रेड। नाइस। बातों ही बातों में प्रेम और पिया दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे ही एक दूसरे की छवि अपने मन में बना ली थी। ऐसे ही एक दिन जीविका अपने दोस्त पिया के साथ मॉल जाती है। दोनों वहाँ खूब सारी शॉपिंग करती है। तभी पिया की नज़र एक ब्लैक शर्ट पर पड़ती है और जीविका से वो बोलती है, यार वो देख कितनी मस्त ब्लैक कलर की शर्ट है, ये मैं प्रेम के लिए खरीद रही हूँ, मेरी तरफ से तू उसे दे दियो। वाह भाई, प्रेम की दीवानी हो गई लड़की हमारी। अच्छा मैंने आज तक सिर्फ उसके बारे में सुना है, अब मुझे उससे बात करनी है, तू मुझे उसका फोन नंबर तो दे। अच्छा जी चल नोट कर। जीविका उसको प्रेम का नंबर दे देती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों घर वापस लौटती हैं। घर जाकर पिया प्रेम को फोन करती है और बोलती है, हेलो प्रेम। हाँ जी कौन? मैं पिया बोल रही हूँ। ओ हाय, कैसी हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बस सब बढ़िया, तुम्हारा दिया हुआ शर्ट ट्राई कर रहा था। सच में? दोनों इसी तरह कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जीविका बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रही होती है, जिस बस में बहुत भीड़ होती है उसके पीछे ही प्रेम भी खड़ा होता है। भीड़ होने की वजह से पिया प्रेम को बार बार धक्का लगता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ऐसे में पिया गुस्से में उससे बोलती है, अरे बड़े ही बेशरम लड़के हो तुम तो। क्या मतलब है मैडम? ये मतलब एक बार गलती से धक्का लग जाता है चलो समझ आ गया, लेकिन तुम तो बार बार धक्का दिए जा रहे हो। ओ मैडम बस, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो ऐसी हरकत करूँगा। हाँ हाँ वो तो तुम्हारी शक्ल और नजरों से ही पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के लड़के हो। ओ मैडम जानती ही क्या हो मेरे बारे में आप, और आपके कह देने से मैंने आपको धक्का मारा है। क्या पता आप ये सब जानबूझकर बोल रही हैं, क्योंकि लड़कियों की तो आदत है दिल का ताड़ बनाने की। कितना बदतमीज है। जाने अनजाने में पिया और प्रेम की पहली मुलाकात हो जाती है, मगर अफसोस कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। ऐसे ही प्रेम घर आकर पिया को फोन करता है और उसे कहता है, हेलो क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मूड ऑफ है आज। पर क्यों? अरे कुछ नहीं, बस एक पागल लड़के से बहस हो गई मेरी। बस इतनी सी बात? अरे ये तो होता ही रहता है, मेरे साथ भी हुआ था, मगर मैं इग्नोर करता हूँ। और तुम उदास मत हुआ करो। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सच? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। कब मिलोगे ये बताओ बस। अब यार एक महीना रुक जाओ, तसल्ली से मिलूंगा। ओफो इतना लंबा इंतजार, तब तक तो मैं अपने
मम्मी पापा के पास वापस चली जाऊंगी। इस शहर में मैं अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। कोई नहीं पागल, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अब खुश? ठीक है फिर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगता है। एक दूसरे को बिना देखे उन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। मगर अब समय आ गया था पिया के घर जाने का। वो एयरपोर्ट जाती है और अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों के बाद प्रेम उसे फोन करके कहता है, हेलो पिया, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सच में प्रेम? हाँ पागल, सच में। अच्छा सुनो ना, तुम ना वो ब्लैक शर्ट पहन के आना। मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखूँ ना, तो उस ब्लैक शर्ट में देखूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। बस अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अगले दिन प्रेम अपनी बाइक लेकर पिया से मिलने के लिए निकल जाता है। मगर रास्ते में तेज रफ्तार से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे एडमिट करवाते हैं। पिया प्रेम को बार बार फोन करती है मगर उसका फोन ऑफ आता है, तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वो प्रेम का इंतजार करती रहती है, मगर ना तो प्रेम का फोन आता है और ना ही उसका कोई मैसेज। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में ही प्रेम पिया को फोन करके बोलता है, हाँ पिया, मेरी बात कर रही तुमसे। यार सॉरी, मैं नहीं आ पाया। कम से कम बता तो सकते थे ना, तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। यार बताने लायक होता तब ना। क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। प्रेम की बातें सुनकर पिया रोने लगती है और उससे कहती है, प्रेम अब तुम कहीं नहीं आ रहे हो, मैं आऊंगी तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए। अरे मैं आ जाऊंगा मिलने, तुम टेंशन ना लो। मैंने कह दिया ना तुम नहीं आओगे, मैं आऊंगी इस बार। इतना बोलकर पिया फोन काट देती है और अगले ही दिन प्रेम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं, साथ ही उसकी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर्स बाहर आकर जीविका से बोलते हैं, सॉरी प्रेम अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही जीविका फूट फूट कर रोने लगती है, पर किसी तरह जीविका और उसकी फैमिली प्रेम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अगले दिन पिया जीविका को फोन करती है, फिर उससे बोलती है, जीविका प्रेम का फोन नहीं लग रहा है, मैं कब से मिला रही हूँ, कितने दिन हो गए, जरा मेरी उससे बात करवा देना, मैं उससे मिलने आ रही हूँ। तू जहाँ है वहीं रह जा, प्रेम अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे मत बोल यार। हाँ यार, प्रेम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही पिया रोने लगती है और वहीं स्टेशन पर ही बैठ जाती है और रोते रोते बोलती है, आखिर मैं प्रेम की दीवानी बनकर रह गई ना। बोलो प्रेम, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर, अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा प्रेम, तुम्हारे बिना तुम्हारी पिया कैसे रहेगी, प्लीज वापस आ जाओ। कुछ समय के बाद जीविका घर वापस लौटती है तो वहीं पिया भी उससे मिलने के लिए आती है। पिया उससे प्रेम की तस्वीर मांगती है कि तभी जीविका उससे बोलती है, सॉरी पिया, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि उसकी तस्वीर देख के मुझे उसकी याद आती थी, बस इसीलिए मैंने उसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। पिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसके मन में प्रेम की जो छवि होती है वो उसी से ही हमेशा प्यार करती रहती है और जिंदगी भर के लिए प्रेम की दीवानी बनकर ही रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पिया और प्रेम की प्यार की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसने किसी से इतनी बेइंतहा मोहब्बत की हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।